साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है नागचंद्रेश्वर मंदिर। सावन मास की शुक्ल पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नागदेव की पूजा की जाती है। महाकाल की नगरी उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर की गली में एक मंदिर है, लेकिन नागचंद्रेश्वर मंदिर की आभा बेहद निराली है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मंदिर के कपाट सिर्फ नागपंचमी के दिन ही खुलते हैं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तिथि के मुताबिक इस बार नागपंचमी 2 अगस्त को पड़ रही है। नागपंचमी के दिन स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध पिलाया जाता है। सनातन धर्म में सर्प को पूजनीय माना गया है। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि जो लोग नागपंचमी के दिन नाग देवता के साथ ही भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करते हैं, उनके जीवन से काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। साथ ही राहु और केतु की अशुभता भी दूर होती है। महाकाल की नगरी उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर की हर गली में एक ना एक मंदिर जरूर है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे भाग में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए ही खुलते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर की क्या खास बात है ये भी जान लेते हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति काफ़ी पुरानी है और इसे नेपाल से लाया गया है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में जो अद्भुत प्रतिमा विराजमान है उसके बारे में कहा जाता है कि वह 11वीं शताब्दी की है। इस प्रतिमा में शिव पार्वती और अपने पूरे परिवार के साथ आसन पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर सांप फन फैलाकर बैठा हुआ है। बताया जाता है कि इस प्रतिमा को नेपाल से लाया गया था। उज्जैन के अलावा कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। ये दुनिया भर का एकमात्र मंदिर है जिसमें भगवान शिव अपने परिवार के साथ सांपों की शैया पर विराजमान है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की परंपरा है। त्रिकाल पूजा का मतलब 3 अलग अलग समय पर पूजा। पहली पूजा मध्यरात्रि में महानिर्वाणी होती है, दूसरी पूजा नागपंचमी के दिन दोपहर में शासन द्वारा की जाती है और तीसरी पूजा नागपंचमी की शाम को भगवान महाकाल की पूजा के बाद मंदिर समिति करती है। इसके बाद रात 12 बजे वापस से एक साल के लिए बंद हो जाएंगे। मान्यताओं के मुताबिक सांपों के राजा तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए तपस्या की थी, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमृत का वरदान दिया। वरदान के बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया, लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही इच्छा थी कि उनके एकांत में विघ्न ना हो। इसलिए यही प्रथा चलती आ रही है कि सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही उनके दर्शन होते हैं, बाकी समय परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। दर्शन को उपलब्ध होते हैं, शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। आप ऐसे पहुंचे मंदिर। नागचंद्रेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के ऊपर ही मंदिर बना है। उज्जैन रेल लाइन का महत्वपूर्ण जंक्शन है। इंदौर हवाई अड्डे से इसकी दूरी 60 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। धर्म कथाएं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।